मौसम विभाग ने सप्ताह भर लू का प्रभाव अधिक रहने की चेतावनी दी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक खुले में काम करने पर भी रोक लगा दी है। वहीं हीट वेव को देखते हुए नगर निगम ने क्या व्यवस्था की है, इसको लेकर अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद कुमार राव से एमकेएन न्यूज के संवाददाता रेहान वापसी ने खास बातचीत की। सुनिए, भीषण गर्मी ने लखनऊ समेत पूरे यूपी में हाहाकार मचा रखा है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लोग जरूरी कामों के लिए घरों से निकलने पर मजबूर हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि कोई भी 10 से 3 बजे तक घर से बाहर न निकले, लेकिन जिन्हें जरूरी काम है उन्हें निकलने में लखनऊ की सड़कों पर क्या व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा की गई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राव मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पब्लिक के लिए की गई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमके न्यूज में। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं गर्मी को देखते हुए? यार, गर्मी के देखते हुए अभी कल हम लोगों ने जो यूपी स्टेट है उनको बुलाया था और उन लोगों की टीम में जो है जो गुजरात स्टेट के अहमदाबाद में जो पहले भी काम कर चुके हैं लोग उनको भी एज ए गेस्ट बुलाया हुआ था, तो कुछ सलाह उनसे भी लिया है। उसके पहले से भी हम लोग काम कर रहे थे, तो इसी क्रम में जैसे कि हम लोगों का ये निर्णय हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ 8 जोन है, 8ों जोन में सभी जोनों में पोलिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, बना दिए गए हैं। आप अभी नीचे जाओगे देखो तैयारी चालू हो गई है। इसी तरीके से सारे कार्यालय जितने भी हमारे यहाँ सब में कूलिंग जोन बनाया गया है। पीने का पानी जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में था वहाँ भी एक एडिशनल वाटर कूलर जो है एयर के साथ लगाया जा रहा है। कोई सलाह दी गई है कि सब लोग जो है निकले तो इस जो टाइम सरकार ने रोका हुआ है उस टाइम 10 से 3 बजे तक न सकना हो, और ये भी उनको कहा गया कि छाता लेके निकले लोग। और हमारे इंतजाम में जितने हमारे सेल्टर होंगे सारे सेल्टर होम को बिल्कुल से पूरा वाटर कूलर वगैरह लगा के और एयर कूलर भी लगा के सुसज्जित कर दिया गया है, कोई चाह जब चाहे तब वहाँ पे आराम कर सकता है। सर, लखनऊ 8 जोन है और काफी समस्याओं का सामना करने पर बड़ी चुनौती रहेगी, कैसे उसको पूरा करेंगे कि हर जगह हर चौराहे पर प्याव लगाना, हर चीज सुनिश्चित कराना, कैसे पूरा करेंगे क्या? भाई आप देखिए ना, 8 जोन है, 8 बहुत बड़ा है, तो हमारे पास 8 जोन भी है, 110 वार्ड है, 110 वार्ड में हमारी सारी टीम भी है, तो ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, इसको हमने स्वीकार किया है। आप देखिए अभी आप निकल जाओ तो हर जोन में आपको कम से कम एटलीस्ट प्याऊ अभी दिख रहा है, 1 हफ्ते से चल रहा है, वहाँ पे हमारे आदमी तैनात हैं, भले अस्थायी स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे कूलर लगा के हम पब्लिक को शरबत वगैरह पिला रहे हैं, सबको पानी पिला रहे हैं। सर, अभी एक न्यूज की एक खबर चल रही थी कि प्याऊ निगम के कर्मचारी वो नदारद गया। हम लोग सुबेरे निकले हैं, राउंड भी लिए हैं, सारे अफसर निकले हुए हैं और जांच कर ली गई है और उसकी समीक्षा भी रोज की रोज हो रही है, आज सुबेरे उसी पे चर्चा हुई है, और तो ये ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल हर जगह मिलेंगे आप। सर, आप डॉक्टर भी हैं तो क्या सुझाव देना चाहेंगे पब्लिक को कि क्या चीजें क्या लें? देखिए, पब्लिक के सुझाव के लिए तो जैसे हमने बताया ना कि एक तरीके से ये हुआ कि आप कहीं भी अगर आपको महसूस होता कि मुझे ज्यादा स्वेटिंग हो गई, पसीना, धूप तेज लग गई, तो उसमें आप ORS का घोल लें। सबसे बेस्ट ये है कि ORS में सारे मिनरल्स, विटामिन और जो है शुगर कंटेंट, नमक वगैरह सब कुल बिल्कुल बैलेंस होता है। दूसरा ये कि छाता लगा के निकलें, ये बहुत बड़ी बात, और इमरजेंसी हो तो उसमें छाता ही निकाल के लगा के निकलें। तीसरा ये कल डिस्कशन में ये भी आया था कि अगर आप लोग कमरे में से निकल रहे हैं, ठंडे कमरे में AC चल रहा हो या गाड़ी में हो, अगर कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हो या यहाँ से निकलने वाले हो तो 10 मिनट पहले अपना एयर कंडीशनर बंद कर दें, जिससे कि आप वातावरण के लिए थोड़ा सा आपकी बॉडी अडाप्ट हो जाए, फिर आप रसोई क्या कंडीशन है, कितने रैन बसेरे तैयार हो रहे हैं? देखिए, हमारे पास 27 रैन बसेरे परमानेंट हैं और 27ों की सबकी जांच करा ली गई है और सब जगह बिल्कुल बढ़िया बिस्तर लगा के एयर कूलर लगा दिए गए हैं, बैठने की ट्रैप व्यवस्था, कहीं कोई अगर किसी को लगता है कि उसको बहुत जरूरत है आराम करने की तो वहां जा सकता है, वो निःशुल्क है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राव मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हीट वेव को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए नगर निगम अपनी सारी तैयारियां कर रहा है और कई जगह प्याऊ लगाए गए हैं, रैन बसेरे की भी तैयारियां चल रही हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ एमके न्यूज़, रेहान वारसी, लखनऊ।